नमस्कार, मैं अनीता शर्मा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भगवानपुर जट्टा से हिंदी अध्यापिका। आज आपके समक्ष नौवीं कक्षा की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर के बारे में समझाऊंगी। पंच परमेश्वर के लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनको हम हिंदी साहित्य का कथा सम्राट कह सकते हैं। इनकी 300 कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला इत्यादि हैं। इनके नाटक भी हैं, जैसे करबला आदि। प्रस्तुत कहानी पंच परमेश्वर में न्यायप्रियता और मित्रता पर प्रकाश डाला गया है। इनमें दो मुख्य पात्र अलगू चौधरी और जुम्मन शेख हैं। ये दोनों आपस में बहुत गाढ़े मित्र हैं। इनका आपस में इतना विश्वास है एक दूसरे पर कि जुम्मन शेख हज जाते हुए अपने मित्र अलगू चौधरी को अपना सारा घर संभला कर जाते हैं। इस कहानी में फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि जुम्मन शेख की एक दूर की मौसी खाला जान, उसकी थोड़ी सी जमीन की मलकियत को वो अपने नाम करवाना चाहता था, और उस रजिस्ट्री को करवाने के लिए उसने खाला जान से बोला कि मैं तुम्हारा ता हयात खाने का प्रबंध करूंगा और वो रजिस्ट्री आप मेरे नाम कर दीजिए। जैसे ही खाला जान ने रजिस्ट्री अपने नाम की, उसकी सारी जो पिछली खातिरदारी हो रही थी वो बदल गई। करीमन जुम्मन शेख की पत्नी ने बिना बघार की दाल देना शुरू कर दिया, और ये देखकर खाला जान ने जुम्मन शेख से बोला कि मेरा इस तरह से गुजारा नहीं चलेगा, तुम मेरा माहवार खर्च बांध दो और जिससे कि मैं अपना रोटी पानी का प्रबंध अपने आप कर लूंगी। जुम्मन शेख का भी स्वभाव निष्ठुर हो गया था और उसने भी कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये सुनकर खाला जान ने पंचायत जाने की धमकी दी। वो पूरे गांव में सभी लोगों से मिली, लेकिन जुम्मन शेख का रसूख इतना ज्यादा था कि किसी ने भी उसकी हिमायत नहीं की। अंततः अलगू चौधरी के पास गई। अलगू चौधरी ने उसकी बात सुनकर ये बोला कि मैं पंचायत में आ तो जाऊंगा, लेकिन मित्रता के कारण अपना मुंह नहीं खोलूंगा। लेकिन खाला जान का एक वाक्य उसके मन में घर कर गया कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे। पंचायत के दिन सभी पंचायत में पहुंचे। खाला जान ने अलगू चौधरी को अपना पंच बनाया, जिससे कि जुम्मन शेख का चेहरा खिल उठा, क्योंकि वो उसका मित्र था। लेकिन पंच के सर्वोच्च आसन पर बैठते ही वो अपनी मित्रता, सारे रिश्ते नाते सब भूलकर, उसने पूरा हिसाब किताब लगाकर, दोनों पक्षों की बात सुनकर ये फैसला सुनाया कि उस जमीन से इतने एक पैसे तो इतना मुनाफा तो आता है कि वो उसका माहवार खर्च दे सके। यह सुनकर सबने पंच परमेश्वर की जय जयकार की, लेकिन जुम्मन शेख के चेहरे के हवाइयां उड़ने लगी और उसकी मित्रता शत्रुता में बदल गई। फिर जैसे कहा जाता है कि अच्छे कामों की सिद्धि में समय लगता है, लेकिन बुरे कामों की सिद्धि में वक्त नहीं लगता। एक साल पहले अलगू चौधरी ने एक बैलों की जोड़ी ली थी। बटेसर से पछाही जाति के बैल थे वो। वो इतने सुंदर बैल थे कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते थे। किसी दैवयोग से एक बैल की मृत्यु हो गई। अब एक बैल किस काम का, तो अलगू चौधरी ने उसको एक गांव के ही, अपने ही गांव के समझू साहू को 150 रुपए में बेच दिया, और एक महीने में समझू साहू ने वो पैसे चुकाने का वायदा किया। समझू साहू ने उस बैल की इतनी दुर्गति की, वो अपने घर से मंडी में जाता था और गुड़ शक्कर गांव से लेकर, घी शक्कर गांव से लेकर, नमक और तेल मंडी से लेकर आता था। तो उसने एक खेप, दो खेप, तीन खेप, चार चार खेपे लगानी शुरू कर दी। उसके दौरान उसने उस बैल का ना तो पानी का ध्यान रखा, ना चारे का ध्यान रखा, बस खेपे लगाने पर ही उसका ध्यान था। और अंततः एक दिन ऐसा आया कि वो चारे की कमी के कारण या पानी की कमी के कारण जमीन पर एक ऐसा गिरा रास्ते में ही, और वहीं पर ढेर हो गया, दोबारा नहीं उठा। तो उस समय जुम्मन शेख के पास, क्षमा कीजिए, अलगू चौधरी के पास
₹250 जो उसने घी और शक्कर बेचकर कमाए थे और नमक और तेल के, उस तेल के कनस्तर थे, वो जब वहीं पर रात जगरता किया उसने, लेकिन जैसी उसकी नींद आई उसके वो ₹250 भी गायब थे और कुछ तेल के कनस्तर भी गायब थे। यह सब सुनकर सहुआइन ने अलगू चौधरी को गाली गलौच देना शुरू कर दिया। जब अलगू चौधरी अपने पैसे मांगने के लिए आया तो उनकी आपस में हाथापाई तक हो गई और किसी समझदार ने उनको पंचायत करने की सलाह दी। जब पंचायत वहां पे होने लगी तो समझू साहू ने अपना सरपंच जुम्मन शेख को चुना, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो जब जुम्मन शेख को सरपंच बनाया गया, जैसे ही उसको सरपंच बनाया गया, उसके उत्तरदायित्व के ज्ञान के कारण उसके बुरे विचारों का सुधार होने लगा और उसको महसूस हुआ कि भी मैं जिस उच्च आसीन पर बैठा हूँ उस पर मेरे मुंह से जो वाणी निकलेगी वो देववाणी के सदृश होगी और इसमें मेरे बुरे विचार कदापि नहीं आने चाहिए। तो वो अपनी शत्रुता भूल गया और उसने दोनों पक्षों का सुनकर ये फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी को समझू साहू को अलगू चौधरी के पैसे देने बनते हैं। फिर किसी ने यह भी सलाह दी कि जो उस पर पशु पर अत्याचार किया गया उसका उसको अलग से दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो उसने कहा कि वो अलग प्रश्न है। लेकिन इसको जब उसने ये फैसला सुनाया तब सभी पंच परमेश्वर की जय जयकार करने लगे और बोलने लगे कि भी आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और उन सब जय जयकार के बीच में जुम्मन शेख ने रोते हुए अलगू चौधरी को अपने गले लगाया और उसे माफी मांगी और इस तरह से उनकी मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। इसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं जी। जैसे तरह से हमने पाठ का सार किया उसमें सारे प्रश्न उत्तर स्पष्ट हो जाते हैं कि जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी। अलगू चौधरी के साथ उसकी गाढ़ी मित्रता थी। रजिस्टर के बाद जुम्मन का व्यवहार खाला के प्रति कैसा हो गया था। रजिस्टर के बाद हमने देखा कि जुम्मन शेख का व्यवहार निष्ठुर हो गया था, कठोर हो गया था। खाला ने जुम्मन को क्या धमकी दी थी। खाला ने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दी थी। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था। अलगू चौधरी को पंच बनाया था। अलगू के पंच बनने पर जुम्मन को किस बात का पूरा विश्वास था कि वह मित्रता के कारण उसी का ही पक्ष लेगा। अलगू ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया। बूढ़ी खाला के पक्ष में दिया। एक बैल के मर जाने पर अलगू ने दूसरे बैल का क्या किया। उसने उस बैल को समझू साहू को ₹150 में बेच दिया था। समझू साहू ने उसी का प्रश्न का उत्तर आ गया जी। समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वायदा किया। ₹150। तो पंच परमेश्वर की जय जयकार किसके लिए हो रही थी। न्याय के लिए हो रही थी। जैसे जुम्मन शेख ने अपना शत्रुता भूलकर निष्पक्ष फैसला सुनाया उसके लिए जय जयकार हो रही थी। फिर तीन चार पंक्तियों वाले प्रश्न हैं जी। जुम्मन और उसकी पत्नी द्वारा खाला की खातिरदारी करने का क्या कारण था। हमने कहानी के सार में देखा कि उसकी जो थोड़ी सी जमीन थी उसको अपने नाम करवाना ही उसका खातिरदारी करने का कारण था। बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की कि उसकी जो थोड़ी सी जमीन से जो आमदन है उस मुनाफे में से उसको माहवार खर्च दिया जाना चाहिए जिससे उसका रोटी पानी का प्रबंध चल सके। अलगू के पंच बनने के बाद अलगू ने पंच बनने के झमेले से बचने के लिए बूढ़ी खाला से क्या कहा। हमने बोला था कि उसने अलगू चौधरी ने बूढ़ी खाला को बोला कि मैं पंचायत में आ तो जाऊंगा लेकिन मित्रता के कारण वहां पे मुंह नहीं खोलूंगा। अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने बूढ़ी खाला के पक्ष में ये फैसला सुनाया कि उसकी आमदन से इतना मुनाफा होता है कि उसका माहवार खर्च बनता है दिया जा सके और यदि वो मुनाफे में से उसका हिस्सा नहीं दे रहा तो उसकी रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अलगू चौधरी ने खरीदा हुआ समझू साहू का बैल किस कारण मरा। चारे और पानी की कमी के कारण मरा। सरपंच बनने पर भी जुम्मन शेख ने अपना बदला क्यों नहीं ले सका। क्योंकि जैसे ही उसको पंच बनाया गया उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान ही उसका पथ प्रदर्शक बना
उसके बुरे विचार, उसकी बुरी भावनाएं उसमें शामिल नहीं हुई। जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया? जुम्मन ने भी अपना निष्पक्ष फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी ने जब बैल दिया था उसको कोई बीमारी नहीं थी, ये उसकी मृत्यु, बैल की मृत्यु पानी और चारे की कमी के कारण हुई है, तो उसको 150 रुपये उसके देने बनते हैं। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि पहले फैसले के दौरान जुम्मन शेख अलगू चौधरी का मित्र बन, शत्रु बन गया था और वो अपनी उसकी दुश्मनी की भावना के बाद, जब समझू साहू के फैसले के बाद जुम्मन शेख को ये एहसास हो गया था कि न्याय करने के लिए मित्रता और शत्रुता को भूलना पड़ता है, और इसी एहसास के बाद ही रोते हुए उसने अलगू चौधरी को गले लगाकर माफी मांगी, जिससे कि उनकी मित्रता की जो लता मुरझा गई थी वो फिर से हरी हो गई। फिर उसके बाद 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न हैं। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी के सार के बाद हमें पता ही लग गया है कि उसमें मित्रता और न्यायप्रियता पर प्रकाश डाला गया है, और मित्रता धर्मनिरपेक्ष भी होती है क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद गाढ़े मित्र थे। फिर पंचों का महत्व गांव में बताया गया है कि उनके फैसले को सर्वोच्च माना जाता है, और जो उस आसन पर बैठता है वो अपनी मित्रता और शत्रुता, सभी राग द्वेष काम क्रोध सबको भुलाकर वो निष्पक्ष फैसला सुनाता है, यही इसका उद्देश्य है। फिर अलगू, जुम्मन और खाला में से कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? इसमें जुम्मन आधी कहानी तक उसने थोड़ा सा उसमें शत्रुता का भाव आया है, और खाला जान का कमजोर पक्ष है, तो अलगू चौधरी ही शुरू से लेकर अंत तक नायक का रोल अदा करता है, तो उसमें हम अपना इसका बता सकते हैं। दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों किया? क्योंकि फिर से वही प्रश्न का उत्तर है, कहानी में से आ रहा है कि व्यक्ति पंच के आसन पर बैठता है तो उसको अपनी मित्रता और शत्रुता और किसी भी भावनाओं से ऊपर उठकर ही फैसला देना पड़ता है, तो उसने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया। और दुश्मनी होने के बाद भी जुम्मन ने अलगू के साथ फैसला ही सुनाया, क्योंकि उसने अपनी शत्रुता को भुला दिया था और उसको एहसास हो गया था कि मुझे निष्पक्ष फैसला सुनाना है, और मेरे जो मुंह से वाणी निकलेगी वो दैव वाणी के सदृश होगी। अलगू के पंच बनने पर जुम्मन के प्रसन्न होने और जुम्मन के पंच बनने पर अलगू के निराश होने का कारण क्या था? यही था कि जब अलगू पंच बना तो जुम्मन को लगा कि ये मेरे फैसले मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगा क्योंकि ये मेरा मित्र है, और जुम्मन जब पंच बना तो अलगू को ये लगा कि ये मेरा शत्रु है और शत्रुता के भाव के कारण ये मेरे खिलाफ फैसला सुनाएगा, तो इसलिए इन दोनों भावनाओं का यही कारण था। हमें ये उत्तर देते हुए कहानी में के सार में से ही लेना पड़ेगा। भाषा बोध में तत्सम और तद्भव रूप हैं लिखे हुए। तत्सम शब्द वो होते हैं, आपको बता दूं मैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में लिए जाते हैं, और उनका तद्भव रूप अर्थात तत्सम शब्दों का ही रूप बदलकर जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार तो वो तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे मुख, मुख दिया हुआ, मुख का है मुंह, पंच का पांच, मित्र का मीत, ग्राम को हम तद्भव शब्द बोलते हैं गांव, उच्च को ऊंचा, गृह तत्सम शब्द है उसको तद्भव शब्द है उसका घर, मृत्यु का तद्भव रूप है मौत, संध्या का शाम, मास का महीना, निष्ठुर का कठोर। उसके बाद हमारे बन रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में इसमें बताया गया है कि उसमें वाक्य लिया गया है पाठ में से, और उसमें से उद्धरण चिन्ह के बारे में बताया है, जिसको हम बोलते हैं कि जब हम किसी वाक्य में किसी के मुंह से निकले हुए बोल ज्यों के त्यों वाक्य में रखते हैं तो उनको उल्टे अल्प विराम में रखते हैं, उल्टे अल्प विराम से शुरू करके, और जब वाक्य खत्म हो जाता है तो उल्टे को अल्प विराम से ही बंद कर देते हैं, तो उसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद मुहावरे हैं। हाँ जी, मुहावरे इसमें दिए हुए हैं और मुहावरों के अर्थ भी दिए हुए हैं, हमने वाक्य बनाना है। जैसे मौत से लड़कर आना, मृत्यु न होना, इसका वाक्य बना सकते हैं। किसी का हम सैनिक की उदाहरण ले सकते हैं कि वो सैनिक मौत से लड़कर
अपने घर वापस आ गया है। कमर झुककर कमान होना, बूढ़ा हो जाना, जैसे बूढ़ी खाला की कमर झुककर कमान हो गई थी। दुख के आंसू बहाना, ये कि हम अपने जीवन में से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं कि किसी का नाम लेकर के शीला दुख के आंसू बहा रही है। मुंह ना खोलना, चुप रहना, जैसे हमने कुछ भी बोल सकते हैं कि वह स्त्री कभी भी मुंह नहीं खोलती या बहू सास के सामने कभी मुंह नहीं खोलती, तो इस तरह से कोई भी वाक्य बन सकते हैं। रात दिन का रोना, सदा दुखी रहना, किसी का भी नाम लेकर हम बोल सकते हैं कि वो रात दिन, उसका तो रात दिन का रोना है, अर्थात सदा दुखी रहती है। मोल तोल करना, कीमत तय करना, इसका बना सकते हैं कि जब हम अपना कोई भी सामान लेने जाते हैं तो मोल तोल करना ही पड़ता है। लहू सूखना, अत्यधिक डर लगना, कह सकते हैं कि शेर को देखकर मेरा लहू सूख गया। चांद को बहलाना, जाग जाग कर रात काटना, जब भिक्षा के दिनों में बच्चों को चांद को बहलाना पड़ता है। हाथ धो बैठना, गवा देना, ये भी हम वाक्य बना सकते हैं कि अपनी मूर्खता के कारण राम ने अपनी जायदाद से राम हाथ धो बैठा। कलेजा धक धक करना, परीक्षा के समय पेपर देखते हुए मेरा कलेजा धक धक करने लगा, इस तरह से कोई फूले ना समाना। परीक्षा के समय जिन बच्चों ने तैयारी की होती है वो पेपर देखकर फूले नहीं समाते, या अच्छे अंक देखकर मैं फूला ना समाया, कोई भी वाक्य बन सकते हैं। गले लिपटना, बहुत देर बाद मिलने के बाद बेटी माँ के गले लिपट गई। मैल धुलना, जैसे दो मित्रों की हमने इस पाठ में देखा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता, जब उन्होंने गले लगाया तो उनकी सारी मैल धुल गई, शत्रुता की मैल धुल गई, है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बाकी इसमें ज्ञान विस्तार में उर्दू रिश्तों के नाम भी हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक भी हैं कि हम उसको उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं उस रिश्ते को, और हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे अम्मी, अम्मी जान बोलते हैं तो हिंदी में हम माता बोलते हैं, वालिदा भी बोलते हैं उर्दू में, उसका भी अर्थ माता है, तो वालिदैन पिता, माता पिता हो गए, और वालिद पिता हो गए, अब्बू भी बोल देते हैं पिता को, और बीवी पत्नी को बोल देते हैं उर्दू में, है ना। खाला, वो मौसी के लिए प्रयोग हो जाता है, खाला जाद, ये मौसी के बच्चे हैं। तो इस तरह से हम मुमानी, मामी या मामू, उर्दू में है तो मामा हो गए हिंदी में। तो इस तरह से ये ज्ञान वर्धक पढ़ सकते हैं हम। बाकी इसमें यही बताया गया है कि भी जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं वो, जैसे मानसरोवर हमने बोला था कि 8 भागों में है, तो उसकी और कहानी में पढ़ सकते हैं, नेट पर भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें से नमक का दरोगा और नशा कहानियां बहुत पढ़ने लायक हैं, ये हमें पढ़नी चाहिए। ये भी लिखा है कि खाला की जगह अगर होते तो क्या हम न्याय के लिए उसी तरह से हिम्मत या साहस दिखाते, या अन्याय सहते हुए क्या करते अगर आप उसकी जगह पे होते, तो ये आपके विचार करने योग्य बातें हैं जो हम कर सकते हैं। बाकी रचनात्मक अभिव्यक्ति में ये भी सोचने योग्य बात है कि यदि अलगू जुम्मन के पक्ष में फैसला सुनाता, या जुम्मन अलगू के पक्ष में फैसला सुनाता, क्षमा कीजिए, समझू साहू के पक्ष में फैसला सुनाता, तो क्या हालत होती। तो हम समझ सकते हैं कि यदि अलगू जुम्मन के पक्ष में फैसला सुना देता तो सबका न्याय पर से विश्वास उठ जाता, और यदि जुम्मन शेख मित्रता शत्रुता भूलकर, जैसे उसने समझू साहू के खिलाफ फैसला सुनाया, अगर वो शत्रुता ना भुलाता तो दूध का दूध पानी का पानी ना होता। तो यही हमारी कहानी का तात्पर्य भी है, और दूध का दूध पानी का पानी, जिसका अर्थ यही है कि पूरा पूरा न्याय करना, उस पर कोई भी घटना या कहानी जो आपके जीवन में आपके सामने या कोई भी आपने सुनी हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।